हेलो फ्रेंड्स, जागरणजोश.com के इस वीडियो में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं सैयद सौबान। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि आज के करंट अफेयर से क्या कुछ सवाल बनाए जा सकते हैं, उनके सही जवाब क्या होंगे और साथ ही साथ उनसे रिलेटेड कुछ की फैक्ट्स के बारे में भी बात करेंगे। साथ ही साथ इस वीडियो के एंड में आपको एक सवाल देंगे जिसका जवाब आपको हमें कॉमेंट बॉक्स में लिखकर देना होगा। तो चलिए शुरू करते हैं पहले सवाल के साथ। विश्व फोटोग्राफी दिवस, वर्ल्ड फोटोग्राफी डे जिसे अंग्रेजी में कहा जाता है, इस दिन को कब मनाया जाता है? तो इसका सही जवाब है 19 अगस्त, ऑप्शन सी। यहाँ पर दोस्तों आपको बता देते हैं कि हर साल 19 अगस्त को पूरी दुनिया में विश्व फोटोग्राफी दिवस जो है उसको मनाया जाता है। ये दिन उन लोगों को समर्पित होता है जिन्होंने खास पलों को तस्वीरों में कैद करके उन्हें हमेशा हमेशा के लिए यादगार बना दिया है। और विश्व फोटोग्राफी दिवस का जो महत्व है वो ये है कि जागरूकता पैदा करना, विचारों को साझा करना और फोटोग्राफी के क्षेत्र में लोगों को आने के लिए प्रोत्साहित करना। अब बढ़ते हैं अपने अगले सवाल की तरफ। सवाल है कि निर्वाचन चुनाव आयुक्त ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है, उनका नाम क्या है? यहाँ पर दोस्तों आप लोग सभी जानते होंगे, ऑप्शन ए अशोक लवासा उनका नाम था। और यहाँ पर दोस्तों आपको बताते हैं, अशोक लवासा जी ने चुनाव आयुक्त के पद से इस्तीफा दे दिया है। उन्होंने 18 अगस्त 2020 को राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जी को अपना इस्तीफा सौंप दिया है। अब अशोक लवासा जी एशियाई विकास बैंक, जिसे आप लोग सभी जानते हैं, ADB में उपाध्यक्ष पद वो संभालेंगे और वो ADB में दिवाकर गुप्ता जी का स्थान लेंगे। दिवाकर गुप्ता जो हैं उनका कार्यकाल 31 अगस्त को समाप्त होने वाला है ADB बैंक में। और अशोक लवासा हरियाणा कैडर के 1980 बैच के रिटायर्ड IAS अधिकारी हैं। अशोक लवासा के पास ऑस्ट्रेलिया में दक्षिणी क्रॉस विश्वविद्यालय से MBA की डिग्री भी है और मद्रास विश्वविद्यालय से रक्षा और सामरिक अध्ययन में MPhil की भी डिग्री है। इस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक जरूरी सूचना आप सभी के लिए। हमारी वेबसाइट जागरणजोश.com पर अगर आप करंट अफेयर्स पढ़ना चाहते हैं तो आपको अपने ब्राउजर में टाइप करना है www.jagranjosh.com, जिसके बाद आपको हमारी वेबसाइट का होम पेज नजर आएगा। इसके बाद आपको करंट अफेयर्स के टैब पर जाना है। ड्रॉप डाउन में आपको मंथ वाइज करंट अफेयर्स मिल जाएंगे, जहां आप मंथ के हिसाब से करंट अफेयर्स पढ़ सकते हैं। जब आप करंट अफेयर्स टैब पर क्लिक करेंगे तो आपको कुछ इस तरह से पेज नजर आएगा। अगर आप कैटेगरी वाइज करंट अफेयर्स पढ़ना चाहते हैं तो आप अपनी पसंद के हिसाब से कोई भी कैटेगरी चूज कर सकते हैं, जिसमें लेटेस्ट, नेशनल, इंटरनेशनल, स्पोर्ट्स, टेक्नोलॉजी और इकोनॉमी जैसी कैटेगरीज मौजूद हैं। अब बढ़ते हैं अपने अगले सवाल की तरफ। सवाल है, राष्ट्रीय खेल पुरस्कार समिति ने हाल ही में किस भारतीय क्रिकेटर का नाम राजीव गांधी खेल रत्न के लिए भेजा है? तो यहाँ पर जो इसका सही जवाब है रोहित शर्मा। यहाँ पर दोस्तों आपको बता देते हैं, राष्ट्रीय खेल पुरस्कार समिति ने हाल ही में जो क्रिकेट के ओपनर हैं हमारे भारतीय टीम के रोहित शर्मा और वाइस कैप्टन भी हैं, उनका नाम जो है भेजा है। साथ ही साथ पहलवान विनेश फोगाट, टेबल टेनिस चैंपियन मनिका बत्रा और पैरालंपियन मरियप्पन थंगावेलु को राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार देने की सिफारिश की है। और जहां तक जो सवाल है कि जब मैं इसको रिकॉर्ड कर रहा हूं तो हो सकता हो इनको सबको खेल रत्न मिल भी जाए, तो यहां तक जो नाम ये राष्ट्रीय खेल पुरस्कार के लिए जाते हैं उसमें से ये बात तय होती है लगभग कि जो खेल पुरस्कार हैं, राजीव गांधी खेल पुरस्कार है, वो खेल रत्न है, उसको जो है दे दिया जाता है जिनको भी सिफारिश में जिनके नाम आते हैं। खेल रत्न भारत के किसी नागरिक को दिया जाने वाला सर्वोच्च खेल सम्मान है, इन सबको आप जानते ही हैं। और रोहित राजीव गांधी खेल रत्न सम्मान पाने वाले भारत के चौथे क्रिकेटर होंगे। और रोहित शर्मा से पहले किनको मिला है उनके बारे में यहाँ पर देख लीजिए, तो सचिन तेंदुलकर जो एक महान खिलाड़ी भगवान कहे जाने वाले क्रिकेट के, उनको मिल चुका है। MS धोनी को मिला है, विराट कोहली को मिला है ये सम्मान, और अब जो चौथे खिलाड़ी होंगे वो होंगे रोहित शर्मा। अब बढ़ते हैं अपने अगले सवाल की तरफ। सवाल है कि एशियाई विकास बैंक, यानी कि अभी हमने बात करी थी ADB बैंक
ने दिल्ली गाजियाबाद मेरठ रैपिड रेल के लिए कितने करोड़ रुपए फाइनेंस करने की मंजूरी दी है? तो इसका जो सही जवाब है वो है 7,500 करोड़ रुपए। यहाँ पर दोस्तों आपको बता दें कि 7,500 करोड़ रुपए एडीबी ने दिल्ली गाजियाबाद मेरठ रैपिड रेल के लिए 7,500 करोड़ रुपए फाइनेंस करने की मंजूरी दे दी है। और रैपिड जो है रेल परियोजना का काम तेजी से साथ पूरा होगा। और एनसीआरटीसी के मुताबिक एडीबी द्वारा रैपिड रेल कॉरिडोर के लिए पैकेज को मंजूरी के क्षेत्रीय परिवहन में अभूतपूर्व परिवर्तन के साथ क्षेत्र में आर्थिक विकास के साथ जीवन शैली में सुधार लाएगा। और दिल्ली मेरठ रैपिड रेल जो है प्रोजेक्ट के तहत बनने वाला यह 82 किलोमीटर लंबा कॉरिडोर दिल्ली के सरायकाले खां गाजियाबाद मेरठ को जोड़ देगा। अब बढ़ते हैं अपने अगले सवाल की तरफ। भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड सेबी ने किसको अपना कार्यकारी निदेशक ईडी नियुक्त किया है? इसका जो सही जवाब है वो है जीपी गर्ग। यहाँ पर दोस्तों आपको बता देते हैं भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड सेबी जिसे कहते हैं, और उसने 14 अगस्त 2020 को कहा कि जीपी गर्ग जो है ने कार्यकारी निदेशक के रूप में कार्यभार संभाल लिया है। सेबी ने एक बयान में कहा कि अपनी पदोन्नति से पहले जीपी गर्ग सेबी में मुख्य महाप्रबंधक थे। उन्होंने जनवरी 1994 में नियामक से जुड़ने के बाद कई महत्वपूर्ण कार्यभार संभाले हैं। देश में वित्तीय साक्षरता और निवेशक शिक्षा पर सेबी की पहल के साथ निकटता से जुड़े रहे और उन्होंने पाताल गंगा में कला परिसर की स्थापना सहित राष्ट्रीय प्रतिभूति बाजार की स्थापना में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। जीपी गर्ग ने इंजीनियरिंग कानून और प्रबंधन की पढ़ाई की है। अब बढ़ते हैं अपने अगले सवाल की तरफ। सवाल है कि किस राज्य सरकार ने पढ़ाई तुहार पारा नामक जो है एक नई छात्र केंद्रित योजना शुरू करने की घोषणा के लिए है? इसका सही जवाब है छत्तीसगढ़। यहाँ पर दोस्तों आपको बता देते हैं छत्तीसगढ़ सरकार राज्य में कोरोना वायरस संक्रमण के दौरान प्रत्येक बच्चे तक शिक्षा पहुँचाने के लिए पढ़ाई तुहार पारा योजना शुरू करेगी। और ये योजना स्कूली छात्रों को कोरोना वायरस प्रकोप के कारण कक्षाओं के बंद होने के मद्देनज़र अपने क्षेत्रों और गाँवों में समुदाय की मदद से अध्ययन करने में सक्षम बनाएगी। अब दोस्तों वो सवाल जिसका जवाब हमने आपसे पिछले वीडियो में पूछा था और इसका जो सही जवाब था आप में से बहुत सारे दोस्तों ने दिया है इसका सही जवाब, वीएसके कौमुदी इसका सही जवाब है। तो यहाँ पर दोस्तों आपको बता देते हैं पुलिस अनुसंधान और विकास ब्यूरो के मौजूदा प्रमुख बीएसके कौमुदी का ट्रांसफर करके उन्हें गृह मंत्रालय में विशेष सचिव के पद पर तैनात किया है। वीएसके कौमुदी आंध्र प्रदेश कैडर के 1986 बैच के आईपीएस अधिकारी हैं जो वर्तमान में पुलिस अनुसंधान एवं विकास ब्यूरो के महानिदेशक के रूप में कार्यरत हैं। वे 30 नवंबर 2022 तक इस पद पर रहेंगे जो उनकी सेवानिवृत्ति की तारीख है। अब दोस्तों एक सवाल आपके लिए इसका जवाब आपको हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर देना है। हाल ही में किस राज्य सरकार ने भरूच में भातभूत परियोजना के लिए अनुबंध प्रदान किया है? आपके ऑप्शंस हैं गुजरात, कर्नाटक, उत्तराखंड या फिर तमिलनाडु। आप अपने जवाब हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइए। ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो उस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब करें और देखते रहें jagranjosh.com।